विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। तो अंततः ऋषिवर शिलाद को अपने पुत्र के रूप में प्रभु महादेव के नंदी अवतार प्राप्त हो ही गए। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो हमारे गृह में तुम्हारा स्वागत है। ओम नमः शिवाय। प्रभु की इच्छा अनुसार नंदी अत्यंत साधारण शांत है, श्रद्धालु है और अन्य सभी से भिन्न। नंदी कितना मन भावक, मन मोहक नाम दिया है ऋषि शिलाद ने उन्हें, क्योंकि नंदी नाम में ही आनंद निहित है, वही आनंद जिसका आभास समस्त संसार को उनके जन्म से ही होने लगा था। अंततः मेरे सखा, मेरे भक्त का आगमन हो ही गया। मैं उसे देखने के लिए, उससे भेंट करने के लिए लालायित हूँ। महादेव कितने व्याकुल हो रहे हैं अपने सखा, अपने अवतार नंदी से भेंट करने के लिए। हाँ प्रातः नारायण, प्रभु तो उनके निकट पहुँचने के लिए अत्यंत आतुर है। धैर्य के सागर, महादेव के धीरज का बांध तो जैसे खंडित ही हो गया है। अब शीघ्र ही उनकी अधीरता शांत होगी जब वो नंदी जी के दर्शन करेंगे। अपने अवतार के माध्यम से अब मुझे पिता के स्नेह का अनुभव भी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तो जो हो रहा था सर्वथा उचित था लंकेश, फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि निकट भविष्य में आगे क्या होने वाला था, इसका किसी को अनुमान नहीं था, किंतु उन्हें क्या ज्ञात होना चाहिए था लंकेश? उस आनंद की अवस्था में सभी ये भूल गए थे कि जन्म लेने के उपरांत जीवात्मा को अपना पूर्व परिचय स्मरण नहीं रहता। प्रभु महादेव से उत्पन्न नंदी अवतार तो अब कदाचित उस स्वच्छ आकाश की भांति थे जिन पर स्मृतियों का कोई मेघ शेष ही नहीं था, अपने पिता के साथ के संबंधों की स्मृति भी नहीं। वो तो उस घटना को भी भूल गए थे जिसमें उनको अपना नाम प्राप्त हुआ था। आश्चर्य, स्वयं पिताश्री के अवतार नंदी जी को कुछ भी स्मरण नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए तो अब उन्हें सब कुछ पुनः सीखना था, समझना था, जो उस समय उनके लिए अत्यंत कठिन भी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बाल नंदी के रूप में जन्म लेने के उपरांत कुछ समय तक उनके मुख से एक शब्द भी प्रकट नहीं हुआ। पुत्र, इसे खीर कहते हैं। अच्छा बोल के बताओ, खीर अति स्वादिष्ट होती है, ये ज्ञात करना चाहते हो? कोई बात नहीं पुत्र, ये देखो आम, ये भी अति स्वादिष्ट होता है। एक बार पुत्र बोल के बताओ, आम। प्रभु के अवतार इतने शांत क्यों, वो कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे सखा का इस प्रकार शांत रहना तो उचित नहीं, इस प्रकार मैं उनसे कोई संवाद कैसे स्थापित करूंगा? अच्छा पुत्र, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे पहचानते हो। चलो बताओ मैं कौन हूं। पुत्र नंदी, तुम्हें अपना नाम बहुत प्रिय है ना बेटा? चलो बताओ
तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि मेरे पुत्र नंदी को किसी बात की रुचि नहीं, ना ही वो भोजन करने का इच्छुक है, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर देने को। प्रभु, वो सब कुछ भूल क्यों गया? मैं कब तक अपने पुत्र को इस प्रकार विवश होते देखूं? प्रभु, आप पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कृपया करके बताइए प्रभु। नंदी, अब तो मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति चिंता जागृत हो रही है। यदि ऐसा है तो मैं कौन हूं, ये भी कहां ज्ञात होगा इस बालक को? मुझे विश्वास, जब प्रभु ने कहा था कि उन्हें साधारण, श्रद्धालु, शांत और भिन्न भक्त एवं सखा की आवश्यकता है, तो वे कहीं इस प्रकार मूक रहने वाले बालक की कल्पना तो नहीं कर रहे थे? स्वामी, स्वामी कहाँ चले गए? वो वहां से लौटकर यहाँ क्यों नहीं आए? किंतु वो तो वहां भी नहीं है। वो जब भी किसी कारणवश कैलाश से दूर जाते तो लौटकर कैलाश ही आते, तो फिर इस बार वो कैलाश लौटकर क्यों नहीं है? अर्थात एक ओर तो नंदी जी कुछ नहीं कह रहे थे, किसी भी प्रकार की रुचि प्रकट नहीं कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पिताश्री महादेव ही कहीं अदृश्य हो गए। किंतु ऐसा क्यों हुआ लंकेश? पिताश्री के अवतार नंदी जी की बुद्धि का पूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ था, और स्वयं प्रभु महादेव कहाँ प्रस्थान कर गए थे लंकेश? यही चिंता तो आपकी माता को भी सता रही थी पार्वती नंदन, और इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी ज्ञात नहीं था। महादेव एक दीर्घ अवधि से अपने सखा, अपने नंदी जी से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु नंदी जी को ऐसी मूक अवस्था में देख वो अवश्य अपने दुख को शांत नहीं कर पाए होंगे, और दुख से व्याकुल होकर एक स्थान पर स्थिर रहना अत्यधिक कठिन होता है। कदाचित महादेव वैरागी बन यहां वहां भटक रहे होंगे। कैसी विडंबना है, हम स्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति तो उतनी ही विकट होती जा रही है। एक और महादेव अपनी सुध-बुध खोकर वैरागी के समान इधर उधर भटक रहे हैं, और दूसरी ओर नंदी जी, जिनके जन्म से हमें इतनी आशाएं थी, उन्हें तो जैसे किसी बात की सुध-बुध ही नहीं। ऐसे में स्वामी और उनके भक्त एक दूसरे का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे? और स्वामी पुनः अपना स्वाभाविक मनोभाव कैसे प्राप्त करेंगे? कितनी दुखद बात थी ना ये लंकेश, नंदी जी के आगमन से कितने आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ था।
और फिर अचानक सभी पुनः उन्हीं को लेकर इतने चिंतित थे, तो क्या ये मात्र भावी आनंद अवस्था के पूर्व की एक स्थिति थी, अन्यथा किसी गंभीर समस्या का संकेत? वो समय ऋषि शिलाद और नंदी जी के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि ऋषिवर को ज्ञात ही नहीं था कि वो ऐसे बालक का ध्यान कैसे रखे जो आहार तक स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब बालक नंदी पूर्ण रूप से मूक हो गए तो पिता शिलाद ने उनका मन बहलाना चाहा, किंतु पुत्र की दशा देख अब सभी ने उनका उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देखो इस बालक को, ये तो अपने ही संसार में मग्न रहता है। वृषभ बुद्धि बालक को कितना भी समझा लो किंतु कुछ समझता ही नहीं। अरे समझना तो इसके पिता को चाहिए, ना ही किसी वैद्य से इसकी चिकित्सा करवाते हैं और ना ही किसी तांत्रिक के निकट ले जाते हैं। मुझे तो पुत्र और पिता दोनों ही बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं, कुछ भी कहने में असमर्थ। इस वृषभ बुद्धि बालक को इसके पिता ऋषि शिलाद महादेव का अवतार बताते हैं और कहते हैं ये मुझे प्रभु की तपस्या के परिणाम स्वरूप और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु की यह कैसी लीला है, अपने अवतार की ऐसी अपमानना कैसे स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने इस भक्त की, मेरे पुत्र के प्रति ऐसे अपमानजनक संवाद आप कैसे सुन सकते हैं। प्रभु आपके अवतार के प्रति लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं मुझ पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। प्रभु क्षमा चाहता हूं, प्रभु आपके प्रति भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मुझे दिशा दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे कुछ त्रुटि हुई है प्रभु जिसका आप मुझे दंड दे रहे हैं। अब जो भी हो प्रभु, किंतु अब मुझसे मेरे नन्हे पुत्र की ऐसी अवस्था नहीं देखी जाती, कृपया अपने अवतार की सहायता करें प्रभु। नंदी, 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 पुत्र नंदी, नंदी, नंदी पुत्र, नंदी, आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? मुझे क्या, आप नहीं, आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही था। मैंने नहीं देखा गुरुवर। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही कहीं था। कृपया करके बताइए नंदी कहां पर है। मैं तो अभी आया हूँ ऋषिवर, मैंने किसी बालक को नहीं देखा। नंदी पुत्र, पुत्र नंदी कहाँ चले गए तुम? पुत्र नंदी, नंदी पुत्र कहाँ चले गए? लंकेश, ऐसा क्या दिखाई दिया था नंदी जी को जिसे देखकर नंदी जी वहाँ से चले गए, और उसके उपरांत वहाँ क्या हुआ? ऋषि शिलाद ने नंदी जी को कैसे ढूंढा? नहीं गौरी पुत्र, नहीं ढूंढ सके वो बालक नंदी को, क्योंकि वो तो गांव के भीतर ही उन्हें ढूंढ रहे थे, और इसका तो उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वो नन्ना बालक अब अत्यंत भयंकर वन में प्रवेश कर चुका था, और अब शीघ्र रात्रि भी हो रही थी। होर से भटक रहा है ये बालक, उसने कुछ भोजन भी नहीं किया।
अब इस बालक को भोजन कराने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। सौंदर्य रत्ना करी निर्धुता खिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणे या चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा दे कृपावलंबन करी प्रातः काल से भूखा प्यासा है, किंतु उसे तो अपनी भूख प्यास की जैसे कोई चिंता ही नहीं। ये अबोध बालक इस सघन वन में कैसे सुरक्षित रहेगा जहाँ वन्य पशुओं का प्रभुत्व है। यदि भूले भटके उसकी किसी से भेंट भी हो गई तो फिर वो अपने निवास तक कैसे पहुंचेगा? किंतु वो तो एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर तो उसको कुछ भी पूछना कैसे संभव है और ऋषि शिलाद उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रतीत होता है इस स्थिति में तो हमें ही हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हम किस प्रकार हस्तक्षेप कर स्थिति में सहायक बनेंगे? पूर्ण रूप से सार्थक हो रही है पुत्र। कितने कोमल, कितने साधारण, शांत औरों से भिन्न हो तुम, किंतु इतने शांत भी क्यों हो पुत्र कि कुछ कहते ही नहीं? अपनी भूख प्यास का आभास भी नहीं होता तुम, कुछ तो कहो पुत्र। इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव शिव
तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र, किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं, वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। शिव शिव शिव। शिव तो सर्वत्र, यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र? शिव 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 अद्भुत शिव। अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है, और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? उचित कहते हो इस समस्त संसार शिव ही, ब्रह्मांड के कण कण शिव ही, ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र, इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र। अर्थात माता के हाथों से प्रथम भोजन स्वीकार करते ही नंदी जी की शांत जिह्वा को स्वर प्राप्त हो गया। हाँ गौरी पुत्र, माता के हाथों से प्रसाद प्राप्त कर बालक नंदी को तो जैसे एक नवीन चेतना ही प्राप्त हो गई। अब इस प्रसंग का श्रवण कर तो मेरे मन में भी माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई है। किंतु बालक नंदी के मन में प्रभु शिव शंकर शंभु से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन प्राप्त कर पाया, किंतु माता आप सभी यहाँ आए, महादेव नहीं आए, वो भी तो यही थे, उनके पीछे पीछे मैं तो यहाँ आया था,
मुझे बताइए ना, कहाँ है मेरे प्रभु? मुझे उनसे भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर माता ने क्या कहा? माता बालक नंदी को ये बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी कि अब प्रभु एक वैरागी के समान यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। वो तो बस इतना चाहती थी कि अब नंदी शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से भेंट करने के लिए स्वयं को योग्य बनाए। इसलिए उन्होंने बालक नंदी को अपने पिता के निकट जाकर अपनी शिक्षा संपन्न करने का सुझाव दिया। प्रभु, आपके अवतार का पिता हूं मैं, किंतु दुर्भाग्य मेरा कि अपने पिता का कर्तव्य ठीक तरह से निभा ना सका, अपने पुत्र की कुशलता का ध्यान नहीं रख सका। प्रभु, मैं आपको जो दंड देना है दीजिए, किंतु मेरा पुत्र लौटा दीजिए प्रभु, उसे मेरे निकट पहुंचा दीजिए। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं। पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं लौट आया। नंदी, पुत्र, नंदी, तुम सकुशल हो? तुम बोल सकते हो पुत्र? हाँ पिताजी। मेरा पुत्र बोल सकता है। कहाँ चले गए थे पुत्र, और तुम्हारा स्वर वापस कैसे आया? मुझे स्वयं माता ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके समान योग्य बनना होगा, तभी अपने प्रभु महादेव से भेंट करना संभव होगा मेरे लिए। अर्थात पुत्र, तुम्हें माता के दर्शन प्राप्त हुए? हाँ पिताजी, और उनके साथ प्रभु नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और लक्ष्मी जी के सुखद दर्शन हुए मुझे। अर्थात ये उन सभी की कृपा का प्रभाव है कि सब कुछ सकुशल है, और अब देखो तुम्हारा संवाद करना भी संभव हो गया पुत्र। पिताजी, मुझे मेरे प्रभु के सानिध्य प्राप्त करने हेतु उचित योग्यता प्राप्त करनी होगी। आप मुझे वो योग्यता प्रदान करेंगे ना पिताजी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये तो मेरा परम दायित्व है। फिर तो ऋषि शिलाद ने समस्त शास्त्रों अर्थात सभी वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान कर नंदी जी को सर्वथा योग्य बना दिया होगा। हाँ गौरी पुत्र, जिन नंदी को सभी अविकसित वृषभ बुद्धि मान बैठे थे, वो तो उत्तम कोटि के विद्यार्थी प्रमाणित हुए। शिक्षा आरंभ करने के कुछ सप्ताह उपरांत अत्यंत अल्प समय में उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। आओ पुत्र, मेरे निकट आकर बैठो। नहीं पिताजी, अभी तो आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपके समान मैंने उच्च स्थान ग्रहण किया, तो फिर आपसे मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? हे गुरुवर, मुझे और ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पुत्र, पिछले कुछ दिनों में तुमने समस्त वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। आज ये अंतिम पाठ आत्मसात करने के उपरांत तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। अब नंदी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु अपने जिस शांत, साधारण, श्रद्धालु और सर्वथा भिन्न भक्त एवं सखा का साथ पाना चाहते थे, वो यही है जिसमें शांत भाव से श्रवण करने का गुण है। असीम ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी अपने साधारण स्वरूप में ही स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन्हें तो अपने कण कण प्रभु ही दिखाई देते हैं, और सर्वथा भिन्न और विशेष तो नंदी अपने जन से ही है। मुझे विश्वास वो समय आ गया है जब नंदी अपने इष्ट, अपने प्रभु
महादेव से भेंट हो, अन्यथा ज्ञात नहीं महादेव कब तक वैरागी बनकर इस प्रकार भ्रमण करते रहेंगे और समस्त कैलाश आतुरता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है और उनसे रिक्त कैलाश को देख पाना मेरे लिए भी असहनीय है। किंतु उसके पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नंदी अपने प्रभु से भेंट करने योग्य है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु भोलेनाथ द्वारा अपने भक्त को स्वीकार करने में पुनः विलंब हो जाएगा। इसीलिए आज नंदी की शिक्षा संपन्न होते ही स्वयं देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेंगे। इंद्रदेव की परीक्षा किसी भी प्रकार से सरल नहीं थी। भले ही नंदी प्रभु के अवतार थे किंतु थे तो साधारण, शांत, श्रद्धालु एवं सभी से भिन्न, जिन्हें अब कपटी देवताओं के राजा की जटिल योजना का सामना करना था। किसी भी प्रकार की परीक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाकर उसके जीवन को सार्थक बनाना होता है।